नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, एक बड़ी खबर सामने आई है वसई विरार महानगर पालिका मुख्यालय से, जहां आज वसई विरार महानगर पालिका आयुक्त और प्रशासक अनिल पवार की गाड़ी के ऊपर हमला हुआ और गाड़ी के कांच तोड़े गए। दरअसल यह घटना है वसई विरार महानगर पालिका मुख्यालय के बाहर की, और आज अभी कुछ घंटों पहले यह घटना घटित हुई है। ऐसी जानकारी सामने आई कि एक युवक जो कई दिनों से लगातार वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत अपनी कुछ शिकायतें लेकर आ रहा था, लेकिन महानगर पालिका प्रशासन द्वारा उसकी शिकायत पर समुचित संज्ञान लिया जाकर कार्यवाही नहीं की जा रही थी। उससे त्रस्त होकर उस युवक ने इस तरह की घटना अंजाम दी और महानगर पालिका आयुक्त की गाड़ी को लाठी डंडों से पीटकर उसके कांच तोड़ दिए। किसी भी तरह की हिंसा को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, समर्थन नहीं किया जा सकता है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर आम आदमी अगर कोई हिंसा पर उतारू होता है तो क्यों? क्या इसके लिए खुद प्रशासन जिम्मेदार नहीं है? मैं एक बार फिर बोल रहा हूं कि उसका कृत्य काफी घिनौना कृत्य है कि उस युवक ने जो किया वो काफी गलत किया, लेकिन इसके पीछे के कारण क्या है, यह भी एक बड़ा विषय है सोचने का। इस घटना के तुरंत बाद विरार पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए युवक को हिरासत में ले लिया है और युवक से आगे की कार्यवाही जारी है। युवक के ऊपर जो कानूनी कार्यवाही होगी वो होगी, लेकिन फिलहाल ये एक बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे थे वसई विरार महानगर पालिका मुख्यालय से जुड़ी हुई, जहां आज इस तरह की घटना घटित हुई। इसके लिए इतना ही, नमस्कार। जी, आपने क्या कुछ घटना देखी और क्या कारण? मैं इधर मेरे नगर पालिका में आया था मेरे कुछ पर्सनल काम से, तो वहां पर मैंने देखा कि एक लड़का आया, उन्होंने ऐसा टीका लगाया था पीला कलर का, और उनको मैंने बहुत बार देखा यहाँ पे, लगभग मैंने 4-5 महीने से उनको देखते आ रहा हूँ। उनका कुछ विषय था टेलर का, दुग्धालय कंपनी का, अनुचित बांधकाम का, तो उनको न्याय नहीं मिल रहा था। तो मैं जैसा इधर आया ना, मैं जस्ट आया और उन्होंने सीधा वो फावड़े का डंडा था, फावड़े के डंडे से सीधा कांच पे मारना चालू किया। कांच पे जैसा मारना चालू किया तो यहाँ पे जो सैनिक के अधिकारी खड़े रहते कोई बीच में नहीं आया। जो ऐसी पुलिस अधिकारी बीच में आए, अगर पुलिस अधिकारी बीच में नहीं आते तो पीछे की भी सब कांचे फूट जाते थे। बस मैंने वही देखा, अभी उसने वो सही किया गलत किया वो हम नहीं बता सकते। फावड़े का डंडा जो आया वो कहाँ से आया, कहाँ से आया? पहले से उसके हाथ में मौजूद था, पहले से उसके हाथ में मौजूद था, जहाँ तक मैंने देखा ना, अभी फिलहाल ये टाइम से लेके 1 घंटा पहले हुआ रहेगा। बस हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।